सिर्फ 20 साल में एक शेयर आपका 200 शेयर, मतलब अगर आप 1000 शेयर बाय किए होते तो आपके पास 200000 शेयर होते, समझ सकते हैं, 1000 शेयर तो 200000 शेयर होते, मतलब 200000% का रिटर्न सिर्फ बोनस शेयर के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना कौन नहीं चाहेगा, ऐसे शेयर के बारे में जानना कौन नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स लेकर के हम आए हैं जो कि 20 साल में इन्वेस्टर के 1000 शेयर को बनाया है 200000 शेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर आ चुके हैं हम स्क्रीन पर, यहां पर देखिए ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है 2003 में। तो अगर 2000 इसमें में आप इन्वेस्ट किए होते, 2003 में स्प्लिट हुआ 100 से 10 रुपया फेस वैल्यू में, तो कितना हो गया आपका शेयर 10 गुना, 1000 शेयर बाय किए कितना हो गया 10000 शेयर। फिर 2008 में स्प्लिट हुआ 10 रुपया फेस वैल्यू से 1 में, तो कितना हो गया 10000 शेयर आपका हो गया 1 लाख, डायरेक्ट 1 लाख। दो बार सिर्फ स्टॉक स्प्लिट से ये शेयर आपका हो गया 1 लाख शेयर। अब चलते हैं बोनस पे, तो बोनस 2008 में दिया था बोनस भी, तो आपका हो गया 2 लाख शेयर, 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर। आप समझ सकते हैं अगर कोई 1990 में इन्वेस्ट किया होता तो 2 लाख ये हो जाता 4 लाख, 4 लाख गुना 2 8 लाख शेयर, 1000 शेयर 8 लाख शेयर, इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न। तो इस मैजिकल रिटर्न को हम किसी अगले वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं, जहां आपको जो मल्टीबैगर रिटर्न है, जो स्टॉक्स एक अमेजिंग एक मैजिकल रिटर्न दिया है, उसके बारे में जानने मिलता है और क्यों दिया, कैसे दिया, क्या उसके बिजनेस में कैसा ग्रोथ था, उसका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा लीडर था, ये इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले हम यहां पर फंडामेंटल्स को जान लेते हैं और इसके टेक्निकल एनालिसिस को जान सकते हैं कि क्या आगे भी ये ग्रोथ देगा, अभी फंडामेंटल्स इस स्टॉक्स का कैसा है, जिससे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसके हम अब टेक्निकल एनालिसिस पर थोड़ा चलते हैं, फिर फंडामेंटल एनालिसिस इसका करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ये है हमारा रामको सीमेंट, जो स्टॉक्स आज 6 पॉइंट, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे 6 पॉइंट डाउन है, मतलब 0.98%, और 5 डेज में देखिएगा तो ये देख सकते हैं 5 डेज में भी ये रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, मतलब 5 डेज में ये 3% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में देख लेते हैं, 1 मंथ में भी इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है 4.3% का। 6 मंथ में देख लेते हैं तो 6 मंथ में ये काफ़ी डाउन है, काफ़ी 20% डाउन है, 20% डाउन है, मतलब 6 मंथ में। ईयर टिल डेट में देख लेते हैं तो उसमें भी डाउन है, 1 ईयर में देख लेते हैं तो 1 ईयर में भी ये डाउन है, 1 ईयर में भी ये अपने इन्वेस्टर को 17% का निगेटिव रिटर्न। 5 ईयर्स में देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में, यहाँ से देखते हैं 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है, 89% का 5 ईयर्स में रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में कर देते हैं तो मैक्सिमम ईयर में यहां से देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में ये कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, तो मैक्सिमम ईयर में 3000% का रिटर्न। दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को मैक्सिमम ईयर में, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, साथ साथ बोनस के रूप में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। तो देख सकते हैं 3000 से 4000 के बीच ये रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, और साथ ही साथ बोनस ईयर आपका मात्र 20 साल में 1000 शेयर बन गया 2 लाख शेयर, तो 2 लाख गुना आपका नंबर ऑफ शेयर हो गया। तो समझ सकते हैं आजकल ऐसे मैजिकल रिटर्न दिया है ये रेमको सीमेंट, एक सीमेंट स्टॉक्स आपको इतना बेहतरीन रिटर्न दिया। आप सिर्फ आप आईटी सेक्टर की कंपनियों के बारे में सोचते हैं कि वही बोनस शेयर देता है, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे बेहतरीन शेयर है जो कि इतना मैजिकल रिटर्न, इतना ज़्यादा बोनस दिया है कि 1000 शेयर को 2 लाख शेयर बना दिया है। तो चलिए अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को, तो यहाँ पर हमने देख ही लिया कि जो अभी इसका प्राइस है वो आपको देख सकते हैं कि अभी इसका जो प्राइस है 643 रुपीज़, इसके जैसे 600 और उसके आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको देखना पड़ेगा इसका बिजनेस में ग्रोथ कैसा है, बिजनेस में आगे जो ग्रोथ है इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस आगे कम हो सकती है, जो सीमेंट सेक्टर आगे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आगे जो है सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रह सकता है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे में आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं कि ये 500 या उसके नीचे आता है तो इन्वेस्ट करना, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना होगा, तो आपको इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करनी चाहिए, जैसे जैसे करेक्शन आता है तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अब हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं, और सबसे पहले कि बैलेंस शीट पर यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं
रामको सेकेंड रिजर्व है कंपनी के पास 4,895 करोड़ का, कंपनी के पास डेप्ट भी है 2,632 करोड़ का, तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा है, डेप्ट भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। उसके बाद हम चलते हैं बुक वैल्यू पर, देखते हैं कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, 208 हो चुका है बुक वैल्यू, देखते हैं लगातार बिल्डअप हुआ है बुक वैल्यू। कैश और बैंक बैलेंस 91 करोड़ का है, ज़्यादा नहीं है। नेट करेंट एसेट निगेटिव में है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है इन्वेस्ट करने से पहले कि नेट करेंट एसेट कंपनी का नेगेटिव में है -505, तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर नेट करेंट एसेट कंपनी के प्राइस से, मतलब नेट करेंट एसेट जो है पर शेयर अगर कंपनी के प्राइस से ज़्यादा हो तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि वो आपको आगे चलकर अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। अब ये देख लिया तो अब हम इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर देखते हैं 25 रुपीज का है, तो अर्निंग पर शेयर लगभग कांस्टेंट रहा है, कभी थोड़ा सा इंक्रीज कभी डिक्रीज, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, हर साल का यहाँ पे दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर। उसके बाद नीचे चलते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखते हैं 12 रुपीज का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है, तो 12% का रिटर्न इक्विटी है, जो कि लगभग डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, देख सकते हैं पिछले ईयर से थोड़ा इंक्रीज हुआ है लेकिन और साल के तुलना में थोड़ा सा डिक्रीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 11% का है, तो ये भी थोड़ा सा डिक्रीज कभी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं, उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी कम है, 2000 करोड़ के आसपास है, तो यहां से आप सारे रेशियोज को देख सकते हैं। उसके बाद जो रामको सीमेंट है इसके आप फाइनेंशियल को देख लीजिए, कंपनी जो है का फाइनेंशियल क्या है, सेल्स कभी ग्रो हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं जो मार्च क्वार्टर था 19 में उससे सेल्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर कंपेयर में सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा परफॉर्मेंस कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज हुआ है, तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे जो फंडामेंटल्स पैरामीटर्स है उसको देखना चाहिए, तो आप इसका यूज मनी कंट्रोल की वेबसाइट को कर सकते हैं या यहाँ से फिर आप स्क्रीनर का भी यूज कर सकते हैं skinner.in। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है वो देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कैश ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड जो आपको हमने दिखाया देखते हैं 13% 15%, तो देखते हैं लगातार इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज का उपयोग कर सकते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में यह देखते हैं रिजर्व कितना है कंपनी के पास, बोरिंग कितना है, तो आप जहां चाहें जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे मतलब वैसे वैसे वेबसाइट हैं जहां पर आप एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं कि पीर कंपैरिजन कि कौन सा स्टॉक्स बेहतरीन है। तो ये था सीमेंट सेक्टर का सबसे ज़्यादा बोनस देने वाले स्टॉक्स, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।